हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ सपना दानो। जिस रियान पराग को आईपीएल में पर्ची कहा जाता था, जिस रियान पराग को आईपीएल में नेपोटिज्म कहा जाता था, तमाम तरीके से रियान पराग की बेइज्जती की जाती थी, आज वही रियान पराग न सिर्फ राजस्थान बल्कि आईपीएल का हीरो बन गया है। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने आईपीएल 2024 के सीजन में अपनी दूसरी जीत हासिल की और इस जीत के हीरो रहे रियान पराग। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स को लगातार ये दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा और ये दूसरी बार जो है राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया और 12 रनों से दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रियान पराग की, जो ये नाम इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है, सोशल मीडिया से लेके हर तरफ हर क्रिकेट एक्सपर्ट के मुंह पर रियान पराग की आज चर्चा हो रही है, रियान पराग की तारीफ हो रही है। कुछ वक्त पहले रियान पराग को लेकर ही बातें की जाती थी कि ये तो एक पर्ची खिलाड़ी है, इसे तो खेलना भी नहीं आता। यहाँ तक कि क्रिकेट एक्सपर्ट से लेके फैंस तक हर कोई रियान पराग को लेकर यही कहता था कि इस खिलाड़ी को गेंदबाजी करनी नहीं आती, इस खिलाड़ी को बल्लेबाजी करनी नहीं आती, ये खिलाड़ी तो बस अपने चाचा के दम पर आईपीएल में है। पता नहीं क्यों राजस्थान रॉयल्स ने इसे अपने साथ जोड़ा हुआ है और अपना नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज वही रियान पराग जो है तारीफ बटोर रहा है, हर किसी से उनकी तारीफ सुनने को मिल रही है और किया भी ऐसा ही कुछ है रियान पराग ने, जो कल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया उसमें रियान पराग ने जो पारी खेली, इससे पहले रियान पराग ने उस तरीके की पारी कभी नहीं खेली थी। हालांकि उन पे हमेशा से ये लांछन लगता रहा है कि वो सिर्फ अपने चाचा के दम पर जो है आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन आज ऐसा बोलने वालों के मुंह पे रियान पराग ने तमाचा मार दिया है। दरअसल रियान पराग जब मैदान में उतरे खेलने के लिए तो लगा नहीं था कि रियान पराग इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, इस तरीके से खेलेंगे, इस तरीके से रन बनाएंगे। रियान पराग ने मात्र 45 गेंदों में 84 रन बनाए और जो राजस्थान की जीत का कारण भी रहा। आपको बता दें कि रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के साथ काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और उस दौरान रियान पराग की वो पारी, इतनी लंबी पारी कभी नहीं आई, जिस वजह से उन पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि आईपीएल 2023 में भी यही कहा गया था, कई बार राजस्थान ने जो है उन्हें टीम से बाहर कर दिया था, फिर उन्हें फिर खेलने का मौका दिया जाता था। लोग यही कहते थे कि रियान पराग कभी राजस्थान से जो है बाहर नहीं हो सकता है, ये एक पर्ची खिलाड़ी है, राजस्थान भले एक दो मैच के लिए इसे बाहर कर देगी लेकिन फिर वापस ये आपको खेलते हुए दिखाई देगा, चाहे ये रन बनाए या ना बनाए, गेंदबाजी ढंग से करे या फिर ना करे। आपको बता दें कि रियान पराग इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने और उसके बाद उनका जो है दर्द छलका है और शायद ये पहली बार है जब रियान पराग ने खुलकर अपने संघर्ष के बारे में बात की है और अपनी इस पारी के बारे में बात की है और उन्होंने कहा है कि मेरे जो 3-4 साल का जो संघर्ष है वो मेरी माँ ने देखा है और आज मेरी माँ यहाँ पर मौजूद है। मैच के बाद रियान पराग ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैच के बाद रियान पराग ने कहा है कि मेरा डोमेस्टिक सीजन इस साल काफ़ी शानदार गया था, जिसका मुझे आईपीएल में फ़ायदा मिल रहा है। मैं जानता हूं कि टीम के टॉप 4 बल्लेबाजों में किसी एक को 20 ओवर तक खेलना होगा, इसके अलावा इस विकेट पर गेंद नीचे रह रही थी, लेकिन मैंने मैच में संजू भैया को कमाल करते हुए देखा, संजू भैया ने जो है कमाल की पारी खेली। मैं लगातार कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और पिछले 3 दिन से मैं बेड रेस्ट पे था, लगातार पेन किलर ले रहा था, लेकिन आज मैंने अपनी टीम के लिए योगदान दिया, लिहाजा बेहद खुशी हो रही है। तो देखा आपने किस तरीके से रियान पराग ने अपने संघर्ष के बारे में बोला और उनका दर्द छलका और किस तरीके से वो लगातार 3 दिन तक बेड रेस्ट पे थे और उसके बाद जब वो मैदान में वापसी करते हैं तो शानदार एक विनिंग पारी खेलते हैं, जो कि राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई।
क्योंकि आने वाले मुकाबले राजस्थान के लिए टफ हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि राजस्थान शुरुआती मुकाबलों में अच्छा खेलती है, फिर आने वाले बाकी मुकाबलों में जो है जैसे जैसे प्लेऑफ की तरफ मुकाबले बढ़ते हैं तो वहां पर राजस्थान जो है प्रदर्शन उनका जो है गिरता रहता है। लेकिन रियान पराग ने जिस तरीके से अपने इस बेड रेस्ट के बारे में बताया है, तब से हर कोई रियान पराग की चर्चा कर रहा है कि रियान पराग इतने दिन तक पेन में थे, 3 दिन तक बेड रेस्ट में थे और वहाँ दवाई ले रहे थे, पेन किलर ले रहे थे और उसके बाद इस तरीके की पारी खेलना, वो भी रियान पराग ये पारी खेल रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। जिसे लेकर इरफान पठान ने भी रियान पराग की जो है तारीफ की है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने उनकी तारीफ की है, यहाँ तक कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रियान पराग को लेकर कही है जो आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। इरफान पठान ने कहा है कि रियान पराग की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दिल गदगद हो गया है। उन्होंने साथ ही ये भविष्यवाणी कर दी है कि रियान पराग अगले 2 सालों में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे, यानी कि टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि रियान पराग का इस बार डोमेस्टिक सीजन जो है काफ़ी शानदार रहा था, वहाँ पर उन्होंने शानदार पारियाँ खेली थी, शानदार बल्लेबाजी की थी, तब उनका नाम चर्चाओं में आया था IPL 2023 में। हालांकि उन्हें एक बार ट्रोल्स होना पड़ा था, वहाँ पर ट्रोल होना पड़ा था, उसके बाद डोमेस्टिक में जब उनकी पारी आई तो हर कोई रियान पराग की तारीफ कर रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि IPL 2024 के सीजन में रियान पराग राजस्थान के हीरो बन सकते हैं, राजस्थान के लिए जो है एक बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं। और उस उम्मीद को रियान पराग ने उस उम्मीद को सही मायनों में लेकर वो गए और उन उम्मीदों पर खरे उतरे और आज रियान पराग आपके सामने हैं, किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये आप भी देख रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपका रियान पराग को लेकर क्या कुछ कहना है, उनकी इस पारी को लेकर क्या कुछ कहना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।